दोस्तों, क्या कभी आपने कहीं पे योनि की पूजा होती हुई सुनी है? नहीं दोस्तों, क्या कहीं कोई जगह आपने देखी है जहाँ पर शैतानी आत्माएं रहती है और वहाँ पे तांत्रिक विद्या के लिए तांत्रिक लोग इकट्ठा होते हैं? नहीं, तो यही आपको रोचक बात बताएंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, भारत में एक मंदिर है जहाँ पे ये सब बातें होती है। आपको ये बड़ा ही चमत्कार लगेगा और आप ये सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पर हम आपको इसके बारे में पूरी तौर से बताएंगे। मंदिर के रहस्यों के बारे में भी हम आपको वीडियो में चर्चा करेंगे, पर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में। दोस्तों, योनि की पूजा कहाँ होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, सब हम बताएंगे, पर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है जो हमें बहुत प्रेरणा देता है ऐसे रोचक जानकारियाँ ढूंढने के लिए और ऐसे रोचक वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों गुवाहाटी शहर असम राज्य में आया हुआ है, जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी के बाजू में ये मंदिर आया हुआ है। दोस्तों हमारे भारत में विभिन्न धर्म के लोग साथ में रहते हैं और असम में यही स्थल है गुवाहाटी, जो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है, जहाँ पे कामाख्या मंदिर आया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे आपने नहीं देखा तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही रहस्यमय बातों से ढका हुआ मंदिर है। दोस्तों, इसके बारे में हजारों किस्से हमें जानने को मिलते हैं। ये महाकाली माँ का मंदिर है, तो आइए आपको रहस्यों के बारे में बताते हैं। रहस्य नंबर एक, दोस्तों यहाँ पे भक्तों को प्रसाद में गीला कपड़ा दिया जाता है ना, अनोखी बात। दोस्तों गीला कपड़ा वहाँ पे अम्बुवाची कपड़ा कहा जाता है और अम्बुवाची उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को देवी के प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी रजस्वला होती है वहाँ पे सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है और 3 दिन तक मंदिर बंद रखा जाता है। जब मंदिर खोला जाता है तब ये सफ़ेद कपड़ा गीला पाया जाता है और इसी को प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांटा जाता है। ये है अजीब बात और पर ये बहुत ही सच्ची बात है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही रहस्यमय बातों के दीवाने हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, साथ में आप बेल आइकन भी जरूर दबाएँ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दूसरा रहस्य है दोस्तों, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं मिलेगी मंदिर में आपको, तो पिज्जा किसकी की जाती है? दोस्तों आप पूछेंगे हमें। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ही योनि जैसी रत्ना पाई जाती है। दोस्तों पुजारी उसी की पूजा करते हैं और ये आपको मैं बता दूंगा और आपको बहुत ही अचरज होगा कि ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों रहस्य नंबर तीन ऐसा है दोस्तों कि ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। दोस्तों भारत में 51 शक्तिपीठ आए हुए हैं। ये शक्तिपीठ विलांचल की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों और इसके पास में 10 मंदिर हैं अलग अलग देवताओं के। दोस्तों रहस्य नंबर चार, दोस्तों ये माता को रोहिणी देवी भी कहा जाता है। यहाँ पे गर्भ और योनि दोनों की रचना है और ये गर्भगृह में रखी गई है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जून महीने में इनको ब्लीडिंग होता है, यानी कि माता जी रजस्वला में होते हैं, तभी ब्रह्मपुत्रा नदी का पूरा पानी लाल रंग का हो जाता है। दोस्तों ऐसा कभी आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, पर आप खुद ये मंदिर में जाके देख सकते हैं। दोस्तों रहस्य नंबर पाँच, दोस्तों मासिक चक्र के दौरान ये मंदिर बंद रहता है। दोस्तों ऐसा एक ही मंदिर है जहाँ पे ये मंदिर 3 दिनों के लिए बंद किया जाता है और इस दौरान भक्तों को ब्रह्मपुत्रा नदी का लाल रंग का पानी प्रसाद के तौर में दिया जाता है। दोस्तों छठा रहस्य, दोस्तों 16वीं सदी में इसको नष्ट किया गया था, तभी 17वीं सदी में बिहार के राजा नर नारायण ने इसको वापस स्थापित किया गया था। दोस्तों रहस्य नंबर आठ, दोस्तों इस मंदिर के छत की रचना बहुत ही रोचक है। ऐसी छत की रचना आपने कोई भी मंदिर में नहीं देखी होगी। दोस्तों मधुमाखी के मधपुड़े की जैसी रचना है शिखर की। दोस्तों शिखर पे अन्य मूर्तियां भी आई हुई हैं, पर ये मधपुड़े जैसा लगता है दोस्तों आपको। रहस्य नंबर आठ, दोस्तों लाल नदी का रहस्य। दोस्तों रजस्वला के दौरान, यानी कि जब माता रजस्वलित होती हैं तब ब्रह्मपुत्रा का पानी लाल हो जाता है। हालांकि ये सच्ची बात है या झूठी इसका कोई सबूत नहीं है, और कोई कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पुजारी लोग मंदिर के नज़दीक नदी के पानी में सिंदूर मिलाते हैं ताकि लोगों को अचरज और वो मंदिर ज़्यादा आए। दोस्तों हम कुछ भी इसका नहीं मानते हैं, नहीं मानते, हम लोगों की सुनी सुनाई बातें आपको बता रहे हैं। दोस्तों नौवां रहस्य, दोस्तों स्त्री की रचनात्मकता इस मंदिर में देखी जा सकती है। दोस्तों स्त्री का शरीर कैसा रचनात्मक होता है, ऐसे ही मंदिर में पूरी रचनात्मकता आपको पाई जाएगी। दोस्तों जब भी आप इस मंदिर को देखने जाएंगे आपका मन बहुत ही शांत होगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली हैं स्त्रियाँ। दोस्तों
दोस्तों स्त्रियों के बगैर ब्रह्मांड यानी कि संसार चल नहीं सकता, यही आपको जन्म देते हैं और इसके बगैर जन्म नहीं हो सकता। तो स्त्रियों को सम्मान दीजिए और उनके शरीर की हर रचना का मान कीजिए, उसको इज्जत दीजिए और उसकी पूजा कीजिए, यही है योनि की पूजा का असली रहस्य। रहस्य नंबर 10 दोस्तों, तांत्रिकों का घर। दोस्तों कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का घर कहा जाता है क्योंकि तंत्र विद्या पाने के लिए सभी तांत्रिक इस देवी माँ के पास आते हैं दोस्तों और चमत्कार पाते हैं दोस्तों। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये अपने कमेंट में जरूर लिखिए। ये 10 रहस्य हमने आपको बताए, ऐसे ही रहस्यमय और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में रहा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। और आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने आस पास को स्वच्छ रखें, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, भारत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ रोहिणी।